बिसम राह रहीम सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आर एडवांस लेवल स्ट्रेटजीज जिसमें हम नए स्किल्स सीख रहे हैं कि अंडर डिफरेंट सारे विद कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस हाउ वी कैन मटेरियलाइज एंड मेक सम प्रॉफिट आज वाली भी बड़ी हमारी एक इंटरेस्टिंग सी स्ट्रेटजी है और इसका इवन नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है दैट इट्स कॉल्ड बटरफ्लाई स्ट्रेटजी तो बटरफ्लाई अगर आप उसको थोड़ा रिकॉल करें इट हैज़ लार्ज विंग्स आउटसाइड और अंदर से वो थोड़ा सा नैरो स्ट्रक्चर है एंड इट मूव्स इट्स विंग्स ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्ट्रैटेजी भी उसकी फंक्शनिंग की तरह ही रखी गई है इसलिए इसका नाम भी उसके साथ सोनीफाई किया गया लिंक किया गया है अब बटरफ्लाई बटरफ्लाई स्ट्रैटी विद कॉल इन परचेज और सेल ऑफ फोर कॉल ऑप्शन ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स अब यहाँ पहले हम अभी तक दो तक देख रहे थे इसमें ज़रा हमारी ऑप्शन का जो हम है थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं वी प्लेंग विथ फोर कॉल ऑप्शन बाइंग वन कॉल ऑप्शन एट अ लोअर स्ट्राइक प्राइस एक स्ट्राइक प्राइस की हमने कॉल ऑप्शन खरीद ली दरमियान में क्या आया सेलिंग टू कॉल्स विद अ हायर स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे इनको हम सेल आउट कर रहे हैं एक में छोटी में लॉन्ग हो गए दो मिड लेवल में हम शॉर्ट हो गए एंड बाइंग वन कॉल विद एन इवन हायर प्राइस यानी कि एक हमने बॉटम पर ली दो हमने सेल कर दी और एक हमने टॉप ऑफ इट जो है वो फर्दर बाय कर ली तो दो बाय हैं दो सेल हैं ये स्ट्रेटजी हमारी है अब ये देखते हैं कि ये हाउ इट विल वर्क एंड व्हेन वी विल गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट एग्जांपल में अगर हम देखें तो एक्स वाई जी का डाटा हमने आपको कहा था कि ये बेस है हम आगे सारे मॉडल्स पे यूज करेंगे अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो उस इनिशियल मॉडल पर जाके एक्स वाई जी का डाटा जो है वो रिपीटेडली उसको इसके साथ देख लिया करें बिकॉज वी कॉन्ट ब्रिंग द डाटा अगेन each module that standard data that will be used in all the strategies i will recommend ki uska ek print nikal ke apne paas rakh le ke xyz ka data kya hai call option ke sath to hum usko further kare acha ab humne kya kiya ek humne buy kar di xyz ki call option 95 ke rate pe और उसका premium हमें pay करना पड़ा 6.4। We know the logic नो द लॉजिक के कॉल प्राइस जितनी लो स्ट्राइक प्राइस की होगी वो उतनी महंगी होगी सेकेंड काम हमने क्या किया हंड्रेड वाली दो कॉल ऑप्शन सेल करनी क्योंकि वो मिड टयर की हैं उसमें एक का प्रीमियम है थ्री पॉइंट थ्री तो दो सेल करने पे हमें सिक्स पॉइंट सिक्स का प्रीमियम मिल गया एक हमने क्या किया हायर स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन और ख़रीद ली यानी कि वन एड वन जीरो फाइव की स्ट्राइक प्राइस की वो हमने वन पॉइंट फाइव डॉलर्स की ले ली तो so अफेक्टिवली हमें इस पूरे पैकेज की जो आउटफ्लो हमारी तरफ से हुआ वो 1.25, 6.4 दिया एक 1.45 दिया और 6.6 हमें आ गया तो so नेट जो हमें आउटफ्लो हमारे से हुआ वो 1.25 डॉलर हुआ पर कॉम्बिनेशन मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड मिडिल स्ट्राइक प्राइस लेस द नेट कॉस्ट ऑफ पोजिशन इंक्लूडिंग कमीशन लेट मी रीड इट अगेन जो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट का कितना हो सकता है इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एंड मिडल स्ट्राइक प्राइस लोएस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है और मिडल के दरमियान में जो है वो हमारा मैक्सिमम है अगर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी तो वो हम लेस करेंगे दिस प्रॉफिट इज रियलाइज इफ द स्टॉक प्राइस इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस ऑफ शॉर्ट सेल शॉर्ट कॉल्स एट एक्सपाइरेशन बेस्ट कब होगा कि जो हमारी मिडल वाली स्ट्राइक प्राइस है स्टॉक की प्राइस उनके पास रहे वो आपने याद की थी बटरफ्लाई की मूवमेंट की बात की थी बटरफ्लाई पर ऊपर नीचे है लेकिन उसका मेन पॉइंट उसका बैलेंस जो है ना वो सर दरमियान में ही रहना है तो इसी तरह इसमें भी हम कहते हैं अगर ये स्ट्राइक प्राइस के दरम्यान में रहेगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल है इन द एग्जाम्पल अबाव द डिफ्रेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द मिडल स्ट्राइक प्राइस इज फाइव यू कैन रिकॉल नाइन्टी फाइव एक थी लोवेस्ट और मिडल वाली हंड्रेड एंड द नेट कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटी इज़ वन पॉइंट टू फाइव नॉट इंक्लूडिंग कमीशन द मैक्म प्रॉफिट देयर फोर इज थ्री पॉइंट सेवन फाइव यानी कि फाइव डॉलर की उसमें है एक पोटेंशियल और कॉस्ट उसकी वन पॉइंट टू फाइव है तो हमें मैक्मम इसमें से जो पर कॉम्बिनेशन मिल सकता है वो थ्री पॉइंट सेवन फाइव ये तो हम एक की बात करें ना अब ऑप्शन में आप जाएंगे हो सकता है आप दस हज़ार ऑप्शन ले लें ऑप्शन हो सकता है एक लाख लेने, ले लें वन मिलियन ऑप्शन कॉम्बिनेशन बना लें तो वो तो जितने आप लेंगे उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी लेकिन पर सेट हमें थ्री पॉइंट सेवन फाइव बच सकता है तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है विच वी कैन जनरेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटी मैक्सिमम रिस्क क्या है मैक्सिमम रिस्क इज द नेट कॉस्ट ऑफ द स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग कमीशन एंड देर आर टू पॉसिबल टाइप्स ऑफ आउटकम्स इन विच अ लॉस ऑफ अमाउंट इज रियलाइज मैक्सिमम कितना होगा जो हमने नेट प्रीमियम दिया है वो ही लॉस हमारा हो सकता है वो दो सिचुएशन में होगा जब एक्सट्रीम लेवल की मूवमेंट होंगी ऑल्सो इफ स्टॉक प्राइस इज अबव द हाइस्ट स्ट्राइक प्राइस एट एक्सपायरेशन दैन ऑल कॉल्स आर इन द मनी एंड बटरफ्लाई हैज नेट वैल्यू ऑफ एट एक्सपायरेशन एज रिजल्ट फुल कॉस्ट ऑफ द पोजिशन इंक्लूडिंग कमीशन इज लॉस यानी कि अगर शेयर की प्राइस बहुत ही बढ़ जाए यानी कि हमने 105 पे किया था मार्केट में 108 का हो जाए तो इसका मतलब है सारी ऑप्शनस जो हैं वो इन द मनी होगी और अवेल होंगी तो फिर इसका मतलब है कि हमारे हमें जो मिला है उसमें से हमें गेन भी होगा प्लस हमने जो राइट की हुई है कॉल ऑप्शन वो हमें उस पर पे, पे भी करना पड़ेगा तो अफेक्टिवली इट विल बी नॉट ट्रांजेक्शन विच विल गेन आ गि आस एन ए गें बल्कि हमें जो अपना प्रीमियम दिया है वो हम लूज़ कर रहे होंगे लेकिन वही वाली बात हमने कहा था अगर सेंटर में रहेगा तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ब्रेक इवन स्टॉक एट एक्सपायरेशन टू ब्रेक इवन पॉइंट इसके होंगे द लोअर ब्रेक इवन पॉइंट इज स्टॉक प्राइस इक्वल टू लोअर स्ट्राइक प्राइस प्लस द कॉस्ट ऑफ पोजिशन के वो लोअर स्ट्राइक प्राइस पे आ जाए तो वो हमारा एक ब्रेक इवन पॉइंट आएगा द अपर ब्रेक इवन पॉइंट इज द स्टॉक इक्वल टू द हाइस्ट स्ट्राइक प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ पोजिशन तो ये यानी कि बैंड्स दोनों बैंड्स को जब टच करेगा वो हमारा ब्रेक ही वन होगा क्योंकि उतनी अमाउंट हमें वहाँ से कैप्चर हो रही होगी इसको देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डायग्राम एंड टेबल लॉन्ग बटरफ्लाई स्प्रेड विथ बाय एक्स हमने जो किया सिक्स पॉइंट फोर हमें जो रिसीव हुआ यो जो वही और और हमने जो बाय किया वन पॉइंट फोर फाइव पे तो हमें नेट जो हमारी कॉस्ट आई वन पॉइंट टू फाइव आई तो वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम कि हमारे पास जो लॉन्ग बटरफ्लाई स्प्रेड विद कॉल एट एक्सपायरेशन जो ब्लू लाइन हमें रिफ्लेक्ट कर रही है कि मैक्सिमम जो हम इसमें से गेन कर सकते हैं वो किस पॉइंट पे हो रहा है जो उसका सेंटर पॉइंट है यानी कि 100 के लेवल पे हमारी हाईएस्ट है और वो जैसे जैसे दोनों से डेविएट करेगी यानी कि पर जब ऊपर होंगे या पर नीचे होंगे तब हमें नॉज लॉस होगा बट इफ़ इट्स एट द सेंटर सो वी विल बी गेनिंग मैक्सिमम आउट ऑफ इट सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी यू कैन सी इट्स कॉल्ड बटरफ्लाई स्प्रेड सो दिस वी कैन गेन इफ़ ये हम आपसी एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल बताता हूँ होगा कैसे अगर आपको लग रहा है कि जी एक स्टॉक बड़ा स्टेबल है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है जैसे हमारी मार्केट में अगर हम बात करें तो कैपको के शेयर या हबको के शेयर बड़े स्टेबल हैं हाई डिविडेंड पे हैं नॉर्मल अपनी प्राइस पे ही रहते हैं ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होते और हमें लग रहा है कि ये एक साल तक ऊपर नीचे इन्होंने नहीं जाना तो हम बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी से उनसे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं ठीक हो गया थैंक यू